कि जी रब की चीज़ है, रब बारे की विचार है। मैं थोड़े विचार सुनना चाहना, तुसी लोगों को दसो कि तुसी रब बारे की विचार धारना रखते हो। रब दे बारे जी जे आपां विचार करन लग जाइए ना, तो जे साड़ी सारी उम्र आपां विचार करते रहिए वह बहुत थोड़ी पै सकती है। उदा विचार कदे कंप्लीट तो विचार ही नहीं जा सकता। और दूसरी गल, हर एक इंसान अपनी बुद्धि समेत ही परमात्मा का वर्णन करता है। कोई उन्हें पत्थरां च, कोई उन्हें शब्दों च, कोई उन्हें कवितावां च गाँव है, कोई उन्हें लोग बंदियां च, कई लोग रब नूं रब लोग बंदियां च भी रब मानते हैं, कुछ लोग ब्रह्मांड च मानते हैं, कोई किसी भी हिसाब नाल मानता। कई लोग कहते हैं कि रब है ही नहीं पर ब्रह्मांड है, यूनीवर्स की पावर है। सो जिनी भी बुद्धि परमात्मा किसी बंदे नूं बख्शदा है उहदे हिसाब नाल रब दा विचार बंदा करता है। मेरा मानना यह है कि गॉड है ना, जो चीज़ गॉड GOD, ये तीन डायमेंशनज ने, जनरेशन, ऑपरेशन, डिस्ट्रक्शन, GOD इहदी फुल फॉर्म यह है। पहली फॉर्म है जिहड़ी जनरेशन, कि इस ब्रह्मंड दे विच हर एक चीज़ पहला पैदा होती है। ऑपरेशन, फिर वह चीज़ एक निर्धारित काल के अंदर आती है। एक मच्छर की जिंदगी एक दिन की हो सकती है, साढ़ी सठ सत्तर साल की हो सकती है, दरख्तों की 1000 साल की हो सकती है, पहाड़ों की 10000 साल की हो सकती है, तारों की लखा साल की हो सकती है, पर एक जिंदगी हरेक चीज़ की उम्र है। उस तो बाद तीसरी डायमेंशन आती है डिस्ट्रक्शन, हर एक चीज़ अपने निर्धारित समय तो बाद खत्म हो जाती है। गॉड ये सर्कल है तीन डायमेंशनस का। गुरबाणी कहती है एका माए जुगत व्याई तीन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी कलाई दीवान। एक संसारी मतलब एक महाशक्ति, एका माए मतलब एक महाशक्ति है जो ब्रह्मंड नू चला रही है। तीन चेले उहदे च तीन होर शक्तियां निकलदियां ने, उहदियां ही तीन फॉर्म्स ने। एक संसारी जिहनू कहिंदे ने ब्रह्मा ने सारा संसार साजता। ब्रह्मा किसी इंसान का नाम नहीं है, कोई बंदा नहीं है, ब्रह्मा एक महाशक्ति है। जिहड़ी भी चीज़ किसी चीज़ को जन्म दिंदी है वह ब्रह्म शक्ति भू शक्ति दे नाल जन्म दिंदी है। जदों भी वह चीज़ ऑपरेशन दे विच आउंदी है, उस तो बाद सैकेंड डायमेंशन जदों एक चीज़ बन गई फिर उन्हें उहदी जिंदगी शुरू होंदी है। हाँ जी, ठीक है। जिहड़ी जिंदगी है आपां कह एक भंडारी के जो इस पूरे ब्रह्मंड नूं चला रहा है उहनूं विष्णु कह दिंदे आ। विष्णु किसी फिर किसी बंदे का नाम नहीं है, जो एक शक्ति है, उहदी ही शक्ति है, ठीक है। उहदी दूसरी डायमेंशन महाशक्ति दी की है, विष्णु जो इस संसार नूं चला रही है। फिर महेश एक लाई दीवान जो उहनूं शांति च लै जांदा। शांति कदों, फिर शरीर कदों शांत होंदा है, जदों आत्मा शरीर छड़दी है उदों शरीर शांत हो जांदा ना, कोई प्रोसैस नहीं होंदा बॉडी दे विच। बिल्कुल, आपां कहिंदे आ रेस्ट इन पीस, दैट इज़ पीस। सो जिहड़ी तीसरी डायमेंशन है खत्म होना, डिस्ट्रक्शन जदों होगी तां उह जिहड़ी अपनी तीसरी डायमेंशन है वह डिस्ट्रक्टिव मतलब काल शक्ति जो कहने आपां खत्म करदी है, फिर तीसरा ये सर्कल पूरा हो जाता है। उस तो बाद इहदा वर्णन बहुत डिफरेंट डिफरेंट धर्मां दे विच भी है। जिहड़ी नॉर्स माइथोलॉजी है जिहड़ी जर्मनस दी है उहदे चों इहनां नूं तिन्न नूं कहिंदे आ कि ओडिन, थॉर ते तीसरा फ्रेया कहिंदे आ। हाँ जी, उह कहिंदे आ उहदे च भी इह तिन्न ही है कि एक जन्म दिंदा, फिर एक चलाउंदा ते एक खत्म कर दिंदा। सो गॉड दी जिहड़ी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है ना, इह पूरे यूनीवर्स दे विच इह बणदी है कि हर एक चीज़ पहला जन्म लैंदी है, फिर एक सर्कल च आउंदी है लाइफ दे च, फिर खत्म होंदी है। तुसीं उह गल सुणी है कि हर श्वास दे विच परमात्मा, हर श्वास दे विच परमात्मा किवें है। जो तुसीं ऑक्सीजन लैंदे हो तां तुसीं इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज़ फस्ट डायमेंशन जनरेशन। तुसीं ऑक्सीजन जनरेट करदे बॉडी दे अंदर, फिर वह ऑपरेट होंदी है इस बॉडी दे अंदर, सैकेंड डायमेंशन। फिर जदों कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आउंदी है डिस्ट्रक्शन, एक श्वास का एंड हो जाता है। GOD हर श्वास के विच परमात्मा जनरेशन ऑपरेशन डिस्ट्रक्शन अपने श्वास के विच भी होता है। इस संसार इस ब्रह्मंड के विच कोई भी ऐसी चीज़ ही नहीं जिहड़ी बनूगी नहीं तो बनन तो बाद घूमूगी नहीं उस तो बाद खत्म नहीं होगी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। धरती उत्ते भी हर एक चीज़, क्योंकि धरती आप ही घूम रही है तो धरती उत्ते हर एक चीज़ घूम रही है, हर चीज़ ब्रह्मंड हर परमिट। तो यह गॉड की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है।
मैं एक गल जरूर थोनू पूछना चाहना, जे गॉड ये है जो तुम एक्सप्लेन किया या जो मनिया जाता है एग्जैक्टली थोड़ी एक्सप्लेनेशन उदा दी है जिदा की गुरबाणी दे विच है या ग्रंथा दे विच है या जो ऋषियां मुनियां ने कही है और तुम बड़े साइंटिफिकली दस भी रहे हो, तो फिर मैंने दसो जे ये खुदा है तो फिर अकाल की है? अकाल अकाल जा महाकाल, अकाल गुरमुखी का लफज है, महाकाल संस्कृत हिंदुइज्म दे विच आउंदा पर इहदा इक्को मीनिंग है। 99% यूनिवर्स नॉन फिजिकल है, स्पेस है, ओनली वन लेस देन 1% फिजिकल है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਛੱਤਰ ਘੁੰਮ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਆ ਇੱਕ ਪਲੈਨਟ ਆ, ਸੂਰਜ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਰਜ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਜਿੰਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਆ ਹੈਗਾ ਨੋਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਆ, ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਇੰਸ ਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹ ਨੋਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੀ ਗਾਥਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੋਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੀ ਵਾਰ ਗਾਊਗੀ, ਔਰ ਨੋਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੂ, ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਇਡੈਂਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਮਝੇ ਤੁਸੀਂ? ਸੋ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਵੱਲ ਸਮਝੋ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਸਪੇਸ ਟਾਈਮ। ਓਕੇ, ਕਾਲ ਮਤਲਬ ਸਮਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਪੇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੂਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਘੁੰਮਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਆਪਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਬਿਓਂਡ ਟਾਈਮ, ਦ ਬੀਂਗ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਬਿਓਂਡ ਟਾਈਮ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਜਾਂ ਮਹਾਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜਨਮ ਲੈ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈ ਭੰਗ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜਨਮ ਲਓ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਤਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ। ਜੋ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੂਨਿਆ, ਸ਼ੂਨਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਯੂਨੀਵਰਸ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੂਨਿਆ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਜਾਂ ਮਹਾਕਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੂਨਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਆ। ਉਹ ਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਉਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਅਕਾਲ ਦੀ ਜਾਂ ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਵਾਹ ਗੈਰੀ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ।